जनपद मैनपुरी के एक थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आपसी भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। वहीं तीन एनी बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। वहीं मृतक के साहिब का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चले कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना ऊंचा क्षेत्र का है, जहां थाना क्षेत्र के मथन और भगवंतपुर गांव के बीच में कुरावली खिरोर मार्ग पर सोमवार की शाम करीब 7 बजे दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें दो बाइकों पर सवार चार युवकों में से एक की मौत हो गई तथा तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमे प्रति पुत्र सूरज सिंह निवासी नगला इंसा थाना बरनाहर जनपद मैनपुरी के मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें मोहन ब्रजेश पुत्रगंज सुल्तान सिंह निवासी फकीरपुर थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी व एक अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीसीएन न्यूज के लिए मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। एमएमआर मॉल में चल रहा था स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा। बुलंदशहर देहात कोतवाली क्षेत्र यमुनापुरम एमएमआर मॉल में चल रहा था रॉयल स्पा सेंटर। पुलिस को सूचना मिली स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा है देह व्यापार का धंधा। सूचना के आधार पर सीओ सिटी ने महिला थाना प्रभारी व पुलिस टीम के साथ स्पा सेंटर पर छापा मारा। मौके पर तीन महिला व दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक सेंटर को संचालित करने वाला व्यक्ति व दूसरा ग्राहक है। दो ग्राहक भागने में सफल हो गए। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने गठित की स्पेशल जांच टीम, बताया जो भी इसमें पाए जाएंगे सम्मिलित उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एमआर मॉल है, जिसके बारे में एक सूचना ये मिल रही थी कि वहां पर अनैतिक देह व्यापार का धंधा सुनियोजित तरीके से स्पा सेंटर के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज इस संबंध में बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने के बाद सीओ सिटी बुलंदशहर को महिला थाना प्रभारी के साथ और पुलिस टीम के साथ मौके पर भेजा गया, जहाँ पर स्पा सेंटर में तीन महिलाएं मिली हैं और दो लड़के मिले हैं, उसमें से एक ग्राहक है, दूसरा वो लड़का है जो पूरे कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर सुनिश्चित करता था। दो ग्राहक मौके से भागने में सफल रहे थे। तो इस तरह से हम लोग इन सबके विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की दो दर्जन से अधिक आपराधिक इतिहास वाली एक बदमाश से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई और घायल अवस्था में पुलिस बदमाश को गिरफ्तार करने में सफल भी हो गई। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौ द्वारा पुलिस की कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से अभी मात्र दो दिन पूर्व थाना देहात का प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ को बनाया गया था, लेकिन चार्ज लेने की मात्र 48 घंटे में ही पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान इंस्पेक्टर उत्तम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक टीम की स्वायत्त टीम बीकी टीम के साथ संयुक्त रूप से चेकिंग करते हुए दो दर्जन से अधिक आपराधिक इतिहास रखने वाले तथा गाजियाबाद जनपद से 2,48,000 की लूट में वांछित चल रहे बुद्ध प्रकाश और बुद्ध उर्फ विकास पुत्र मामचंद निवासी मोहल्ला अम्बेडकर नगर नई मंडी थाना देहात से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में जहां सफल हो गई, तो वहीं पुलिस ने घायल अवस्था में अपराधी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया तथा मौके से पुलिस टीम ने एक तमचा, दो जिंदा एवं एक खोखा कारतूस तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया। आज शाम थाना हापुड़ देहात में चेकिंग के दौरान पुलिस एंगेजमेंट की घटना हुई है। घायल व्यक्ति की पहचान विकास उर्फ बुद्ध प्रकाश के रूप में हुई है, जो कि थाना हापुड़ देहात का रहने वाला है। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है एवं शातिर लूट का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हापुड़ में एवं सीमावर्ती जनपदों में लूट के मुकदमे दर्ज हैं। वर्तमान में ये जनपद गाजियाबाद के थाना सियानी गेट से लूट के मुकदमे वांछित चल रहा है। इसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पे इसकी स्थिति ठीक बताई गई है। आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को नगर पालिका ग्रहण लगा रही है, जिसमें घरों से कूड़ा लेने के एवज में प्रति घर से 50 रुपए महीने की जबरदस्ती उगाही की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार होने की आशंका जताई जा रही है।
जिसके विरोध में उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले कार्यालय पर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। दिनांक 8 फरवरी 2021 को उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र अग्रवाल के अंतर्गत महिला विंग की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बुलंदशहर नगर पालिका द्वारा घरों से कूड़ा लेने के एवज में प्रति घर से 50 रुपया महीना की जबरदस्ती उगाही करने पर विरोध वार्ता हुई। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा द्वारा कल्पना भटनागर ने बताया है कि नगर पालिका पहले ही जलकर व गृहकर के रूप में अत्यधिक वृद्धि कर रही है, अब ये नया भार जनता पर डाल रही है। इससे 3 करोड़ से अधिक राशि एकत्र हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पालिका अध्यक्ष धन एकत्रित करने के नए नए मार्ग खोज रहे हैं, क्योंकि ना तो इसका टेंडर खुली प्रक्रिया से हुआ है और दूसरी बात यह है कि स्वयंसेवी संस्था इस कार्य को बहुत कम दर से करने को तैयार है। नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा मीरा भटनागर ने बताया कि महिला मोर्चा के सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष का ऐलान किया है। अगर नगर पालिका इस अवैध भाई को बंद नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे तथा धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम भी करेंगे। जिला प्रभारी पूनम यादव द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका अपने कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं करा पा रही है। जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं, नालियां कीचड़ से भरी हुई है। इन पर ध्यान न देकर केवल धन उपार्जन करने के उद्देश्य से अवैध वसूली की जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के अनेक राज्यों में घरों से कूड़ा निःशुल्क किया जा रहा है तथा वहां कूड़ा देने की रुपए भी ले जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडियन एंटरप्राइजेस कंपनी के द्वारा ठेका देकर सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, जिसमें नगर पालिका द्वारा भ्रष्टाचार करने की संभावना है। मीटिंग में इसका जबरदस्त विरोध किया गया तथा नगर पालिका एवं अन्य अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई, जिससे भ्रष्टाचार ना हो सके और लोगों से अवैध उगाही ना हो। विरोध प्रदर्शन करने में पूनम यादव, जिला प्रभारी कल्पना भटनागर, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीरा भटनागर, नगर उपाध्यक्ष संगीता एहलावत, बबीता तवर, शशि प्रभा, विजय गुप्ता, विनीता चौधरी, निशा परवीन, सुधा, गीता कक्कड़, रजनी सुहानी चौधरी, चंचल चौधरी, प्रवेश कौशिक आदि उपस्थित रही। होंगी कि अगर आपको ये पहले बताया जाता कि हम आपके डोर टू डोर ये कूड़ा उठा रहे हैं, इसका हम आपसे पनिशमेंट लगे या इसका कोई कर लेंगे, तो ये तो एवरी पर्सन की इच्छा है कि वो काम कराता नहीं कराता। ये कोशिश कि नगर पालिका ने ये डोर टू डोर के सारे वाहन लगा दिए और इसका किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि इसे हमें कर भी लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, ये तो एक जबरदस्ती का लोगों के ऊपर मत एक तरह का बोझ डाला है। किसी का मन है देने का, किसी का मन नहीं है। पहले लोग अपना स्वयं काम कर लेते थे या दूसरे लोगों से कराते थे। ये क्या कि आप ये दिखा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान दिखा रहे, ये क्या तरीका तुम्हारा करने का? ये नगर पालिका की तरफ से ये मामला, जैसे कि कूड़ा उठाने की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले तो उन्होंने मना किया था कि कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो 50-50 रुपए की पर्ची काटेंगे और अगर नहीं दिया जाएगा तो 200 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये किस लिए है भाई? गरीब आदमी तो नहीं दे सकता, एक घर में चार चार घर हैं, चार घर से 50-50 तो 200 तो उनके वैसे भी हो गए, तो ये तो नहीं होना चाहिए भाई। स्वच्छ भारत सभी चाहते हैं, जनता भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, लेकिन ऐसे अगर चार्ज लगाया जाएगा तो कौन चाहेगा स्वच्छ भारत को? मामला बस इतना सा है कि जो हर घर से 50 रुपये लेने का अब इन्होंने प्रावधान शुरू किया है, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जब ये लोग सारे टैक्स ले रहे हैं, इन्हें पहली बात तो ये है कि इन्हें जरूरत क्यों? बीसीएन न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट। यूपी के महुआ में शीतलहर और ठंड से बचने के लिए एक पागल का अजीब और गरीब कारनामा सामने आया है। ये पागल कूड़े के ढेर से नहीं, लकड़ी से नहीं या फिर गर्म कंबल से नहीं, बल्कि ताजा तरीन नई पासों की करेंसी से अपनी ठंड बचाने में लगा है। कूड़े के ढेर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पागलपन का ठंड से बचने के लिए यह अनोखा प्रयास किस हद तक हैरत में डाल रहा है। आसपास के सफाई कर्मियों की माने तो इस पागल ने ठंड से बचने के लिए करीब 4 लाख की नकदी, 2 एंड्रॉइड मोबाइल और सोने चांदी के आभूषण सहित एक बार धारदार हथियार को आग भी स्वाहा कर दिया। ठंड से बचने का ताजा तरीन वीडियो महुआ शहर कोतवाली क्षेत्र में मुख्य बाजार का है। महुआ शहर कोतवाली इलाके के पुरानी सब्जी मंडी परिसर के बाहर मैदान में सर्दी से बचने के लिए कूड़े के ढेर में लाखों की नकदी जरा चुका यह पागल हंसी के टाके लगा रहा है। कहता है कि क्या करूं, मुझे सर्दी लगी, कुछ नहीं मिला तो घर में रखी नकदी लाकर कूड़े के ढेर में डालकर शीतलहर से छुटकारा पा लिया। यह हैरत भरी तस्वीर सिर्फ और सिर्फ बुंदेलखंड के इलाके की है, जहां लोग आर्थिक समस्या और परेशानी से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह पागल लाखों की नकदी आग में जलाकर ठंड से राहत ले रहा है।
फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जले हुए नोटों को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे सुबह कचरा डलता है और वो कचरा डाल के कचरा वाले चले गए तो यहाँ पे एक पागल रहता है तो वो आग ताप रहा था तो उसने आग लगा दी, उसमें नोट पड़े हुए थे वो सारे नोट जल गए। तो फिर पुलिस आई, काफ़ी सुबह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है तो पुलिस अपनी जो सबूत उन्हें मिला, एक चक्कू मिली है, एक बुगदा मिला और जो जो एक मोबाइल फोन मिला, जो कुछ भी मिला वो पुलिस ले गई है। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से मुहाल वासी की रिपोर्ट। थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव जीतगढ़ी में दूषित शराब पीने से 6 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु एवं 15 व्यक्तियों के स्वास्थ्य खराब होने की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना सिकंदराबाद पर मुअज 14/21 धारा 272, 273, 304, 92-60A आबकारी अधिकारी व 325 SC/ST एक्ट पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त यादराम के विरुद्ध दिनांक 3/2/21 को NSA की कार्यवाही की जा चुकी है। अन्य दो अभियुक्त किशन व भगवत जेल से बाहर आने के लिए न्यायालय से जमानत के लिए प्रयास कर रहे थे, इसलिए थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा 7 फरवरी को उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध NSA की कार्यवाही करते हुए जिला कारागार में NSA तामिल कराया गया है। उक्त प्रकरण में अब तक कुल 3 अभियुक्तों के विरुद्ध यादराम पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम जीत गढ़ी थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर, किशन पुत्र गंगाराम सैनी निवासी मोहल्ला कायसवाड़ा थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर, भगवत पुत्र गंगाराम सैनी निवासी उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध NSA की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 8 जनवरी को थाना सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में अपमिश्रित शराब पीने से 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने पूरे अभियोग का अनावरण करते हुए 10 अभियुक्तों को जेल भेजा, उसमें से एक मुख्य अभियुक्त यादराम के विरुद्ध दिनांक 3/2/21 को NSA का तामीला कराया गया क्योंकि वो जमानत पर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। इस बीच में 2 अन्य अभियुक्त भगवत और किशन, जो इस पूरे गिरोह से बहुत सक्रियता के साथ जुड़े हुए थे और अपमिश्रित अवैध शराब की सप्लाई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और गांव में बिछवाना, ये पूरे कार्यक्रम में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके विरुद्ध आज जिला कारागार में NSA का तामीला कराया गया है और इसमें जो शेष अभियुक्त हैं, जब वो जमानत पर बाहर आने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध भी NSA की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट। एक बार फिर चाचा भतीजी के रिश्ते हुए शर्मसार, पड़ोसी चाचा ने सो रही मासूम को बनाया हवस का शिकार। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर का है, जहां पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक जिसको मासूम चाचा कहती थी, उसने 5 वर्षीय मासूम को हवस का शिकार बना डाला। परिजनों ने गंभीर हालत में मासूम को CSC बेवर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने बच्ची को सैफई रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। कल देखोगे उनके घर में जाए क्या, हमने जब लड़की संग जो का मतलब भाव है तो जब बोले कुछ नहीं हुआ, हमारी लड़की नहीं हुआ, हमें गड्ढा में गिरी पड़ी। हम लोगों ने कहा जाओ वो करवा, चेकअप करवा, मालूम पड़ जाए गड्ढा में गिरी या मतलब ना गिरी है, गलत संबंध हो जाके संगे, तो बोले हम नाम नहीं रखेंगे, तुम सब कछु का हम लोग कछु का हम नाम नहीं रखेंगे। जब कहीं सब लोगों ने सब नहीं आए तो हमने तुम नाम नहीं रखे। हमने 2021 को एक 5 वर्ष की बच्चे के साथ दुष्कर्म होने की सूचना आई। इस सूचना पर तत्काल बेवर पुलिस पहुंच गई, उसके पिता से बातचीत की, उसने बताया जो आरोपी है इन्हीं के साथ खेत पर रहता है और बच्ची इसके पूर्व में भी सो जाया करती थी। 5 तारीख की रात को इसने मेरे बच्चे के साथ दुष्कर्म कर दिया। इस सूचना पर पुलिस तत्काल हरकत में आई और उसको पकड़ के जेल भेज दिया गया है। बच्ची को थोड़ी चोटें आई थी, वो इस समय सैफई मैं मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पे पुलिस के प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में है। जल्दी आरोप पत्र प्रेषित कर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पैरवी की। बीसीएन न्यूज के लिए मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद में दिन दहाड़े साले ने जीजा की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। साले ने अपने जीजा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और आरोपी साले को गिरफ्तार कर दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को PM के लिए भेज दिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
दरअसल आपको बता दें कि मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के आर्यनगर का है। यहाँ मामूली कहा सुनी के बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो गया था, जो कि इतना बढ़ गया कि पत्नी ने अपने भाई को फोन कर मामले की जानकारी दी, जिसकी सूचना मिलते ही भाई आग बबूला हो गया और अपनी बहन के घर पहुंच गया, जिसके बाद आरोपी साली ने अपने जीजा की नुकीले हथियार से गर्दन पर वार कर निर्मम हत्या कर दी। इलाके में हत्या की सूचना मिलते ही सनसनी फैल गई और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। आर्यनगर थाना पिलखुआ में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि साले द्वारा अपने जीजा को मारपीट के घायल कर दिया गया है और परिजनों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गयी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।